का आरोप लगा रही, बीते दिन भी एक कॉन्फ्रेंस। नहीं देखिए, मैं पालमपुर घटना से खुद भी दुखी हूँ और जान पहचान होने के बाद किस तरह उस व्यक्ति ने अपने दृढ़ लेकर गया और उस हमारी प्यारी बेटी पर उसने हमला किया। मैं अभी बात ही कर रहा था, एसपी को भी मैंने दिशा निर्देश दिया, उसको अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करना मकसद नहीं है, लेकिन ये देखना पड़ रहा कि इस प्रकार की घटना को अंजाम क्यों दिया जा रहा है, उस सोच की तरफ बढ़ने की जरूरत है। और मेरा मानना है कि हम इस दृष्टि से कड़ी कार्रवाई भी करेंगे और उस बेटी के प्रति जो भी स्वास्थ्य के संबंधित खर्चा होगा उसका सरकार भान करेगी। सर, बागियों से लगातार जो बयानबाजी और नोकझोंक है वो चल रही, कब तक ये सोशल मीडिया पे चलता रहेगा? बागी कौन से बागी? जितने लोग भी को भाजपा में गए हैं। बागी नहीं है, बागी तो पार्टी के अंदर वाले लोग होते हैं, वो तो बिके हुए विधायक है। वो तो बिके हुए विधायकों को आप थोड़ा डिफाइन करें ना, बागी होते पार्टी के अंदर ही रह के बात करना, और जो पार्टी छोड़कर बिक जाते हैं उन्हें बिके हुए विधायक कहते हैं। मुझे उनकी नोकझोंक का कोई जवाब नहीं देना है। मुझे तो ये कहना है कि इस धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में जितना काम मैंने पिछले 14 महीने में खुद देख रेख में किया, मैं जब यहाँ 10 दिन के लिए ठहरा, मैंने स्मार्ट सिटी के सब प्रोजेक्टों का अप्रूवल दी जो पिछले 5-6 सालों से नहीं हो रही थी, और खुद प्रोजेक्ट को देखता था। ये जो बिका हुआ विधायक धर्मशाला के हैं, ये तो आते ही बहुत कम थे, विधानसभा भी बहुत कम, घर के पास विधानसभा बहुत सारा अटेंड करते थे, फ़ोन पर कहते थे कि इसको एक्शन लगा दो, हम उनके फ़ोन पर एक्शन लगा देते थे, फ़ोन पर कहते थे एसडीएम लगा दो, हम उसके फ़ोन पर एसडीएम लगा देते, फ़ोन पर कहते थे चीफ इंजीनियर लगा दो, चीफ इंजीनियर लगा देते, जो भी काम कहते थे फ़ोन पर कभी धर्मशाला के विकास की बात नहीं करते थे। मैंने कहा कि हमने कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल डिक्लेयर किया, धर्मशाला में मैं और सुंदर सुंदर पार्क बनाना चाहता हूँ, कभी नहीं कहा। और आज ये इस बात को लेकर आप उनसे सवाल पूछो कि धर्मशाला के लोगों ने 5 साल के लिए कांग्रेस का प्रत्याशी चुनकर भेजा था, हाथ का निशान लेकर भेजा था, इतना बड़ा व्यक्तित्व नहीं है उनका। अगर उनका अपना व्यक्तित्व होता तो फिर वो बीजेपी जिनके द्वारा वो खरीदे गए हैं, एक महीना प्रदेश से बाहर नहीं रहते भाई। चलो राज्यसभा में आपकी नाराजगी मेरे साथ हो सकती थी, आप राज्यसभा में आपने खिलाफ वोट डाल दिया, लेकिन राज्यसभा में खिलाफ वोट डालने के कारण डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती है। फिर अगले दिन वो पंचकुला चले गए क्योंकि किश्त आधी मिली होती। जब आप बताओ पंचकुला क्यों गए? आप रह जाते कोई करता? आप विधायक है 6 पंचकुला के। चलो फिर पंचकुला के बाद फिर अगले दिन हेलीकॉप्टर में आए, एक हेलीकॉप्टर आया, 2 हेलीकॉप्टर आए, CRPF वाले आए। तो भारतीय जनता पार्टी जिन्हें जो ऑपरेशन लोटस किया वो महाराष्ट्र में सफल हो गया, कर्नाटका में सफल हो गया, और दिल्ली में भी केजरीवाल को बेचारे को सफल करने की कोशिश कर रहे, लेकिन यहाँ उनका सफल नहीं हुआ। फिर प्रदेश की बाउंड्री में अंदर आने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि चोरी की है तो डर तो लगता ही है, किसने रोका था? फिर कभी ऋषिकेश घूमते रहे, कभी गुड़गांव गए, कभी पंचकुला गए, और एक महीने बाद आए कि हमें तो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया है, अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह कह रहे हैं कि तुम हमारे साथ चलो। वो भारतीय जनता पार्टी के जो बेचारे कार्यकर्ता पार्टी की विचारधारा को जिंदा रख के कर रहे हैं, वो 14 महीने पहले तो उनको गालियां देकर वो चुनाव जीतना चाह रहे, अब उनको कह रहे हैं। पर मैं कहना चाहूँगा कि बहुत पैसा है, अब सुर्खी बिंदी के साथ का रेट ज़्यादा बढ़ा देना, ये जनता का पैसा है, ये जनता को मिलना चाहिए। जब ये पैसे बांटेंगे तो इनसे पैसे भी लेना, और पैसे कम देंगे तो बोलना ज़्यादा दें, क्योंकि राजनीतिक रूप से जिस प्रकार की ये बात करते हैं। और ये भी कहना है इनको कि जब जनता के वोट से जुड़कर जो सरकार बनती है और जिसमें मैं एक आम परिवार से उठकर मुख्यमंत्री बना, उनकी इतना आदर सम्मान किया, लेकिन इन्होंने उस आदर सम्मान की कदर नहीं की। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो धर्मशाला के बिके हुए विधायक है, फोन करते थे, मैं उनका हर कार्यकर्ता था और उनको पार्टी ने बहुत कुछ दिया, उसी पार्टी के आधार पर उनका जो रुतबा बना, आज उस पार्टी को आप बेचकर, अपना ईमान बेचकर चले गए हैं। ये लड़ाई
लोकतंत्र को बचाने की है, जो पैसे के दम पर कुर्सी हथियाना चाहते हैं उनको सबक सिखाने की है, और जो जनता के वोट की कदर नहीं करते उनको सबक सिखाने की है। इस लोकसभा में जो भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा की सीट चुराई है, इसका मुकाबला सरकारें नहीं कर सकती, इसका मुकाबला आम जनता करती है, जनता का बल करता है। जब चुनाव आएगा तो 6 विधानसभा सीटों में और 4 लोकसभा जो सीटें हैं, 4 लोकसभा जो सीटें हैं, एक राज्यसभा की जगह अगर आप 4 लोकसभा की सीटें जिताकर भेजोगे तो ही सही मायने में जनता का तो ही सही मायने में लोकतंत्र बचेगा, और लोकतंत्र को पैसे से खिरने वाले लोगों का को जवाब सही जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद। जो है वो क्या हो गई है, क्या आपने प्रत्याशी तय कर लिया है? आपको बताइए। थैंक यू सर।